गमला है गया था इसका कलर, तो मैं इसे रेड कर देती हूँ। तो अब मैं ये स्प्रे पेंट को रख देती हूँ और थोड़ा गार्डन के बारे में आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि जो मेरी हाइट आप लोग पूछते रहते हैं, तो हाइट कैसे बढ़ी हुई है। ये आप जो डंडा देख रहे हैं, ये बचपन से यहीं पे लगा हुआ है और हम सब तीनों बच्चे इस पर काफी लटका करते थे और इसीलिए हम लंबे हो गए हैं। तो अब नहीं 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 भाई के मना करने पे मैंने लटकने का प्लान कैंसिल कर दिया। गर्मियों में हम पानी तो डालते हैं पौधों में, लेकिन वो गर्मियों में क्ले की वजह से पानी ऊपर ही रह जाता है, तो इसमें थोड़ा थोड़ा सतह को खुरदरा करना काफी इम्पोर्टेंट होता है ताकि पानी अंदर जड़ों तक पहुंचे। दिखाती हूँ, वो आप ऊपर देख रहे हैं ब्लू कलर का एक घर बना हुआ है। तो ये आइसक्रीम स्टिक से हमने चिड़िया के लिए घर बनाया था पिछले समर्स में, और पिछले समर्स में इसमें चिड़िया रहने के लिए भी आई थी, और इस बार वो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है तो इसलिए कोई चिड़िया उसमें नहीं है, लेकिन हमने पास में दो घर और बनाए हैं जहाँ पर चिड़िया आराम से रह सकती है। अच्छा, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो पेड़ आप देख रहे हैं, ये है वो और एक पेड़ उस तरफ भी है। बड़े बड़े पेड़ हैं ये, कम से कम 20 से 21 साल पुराने पेड़ हैं जो हम लोगों ने छोटे छोटे पेड़ लगाए थे और आज वो इतने बड़े हो गए हैं। इन सब पेड़ों के बीच में हमने कम से कम इन पेड़ों के बीच में हमने 4-5 मीटर का गैप रखा हुआ है ताकि इनकी जड़ें अच्छे से ग्रो कर सकें और ये अच्छे से ग्रो हो जाए पेड़। ये जो पेड़ है ये है मौसमी का पेड़ है, सर्दियों में इस पे बहुत सारी मौसमियाँ लगती है जो हम जगह जगह भेजते हैं। ये एक कुछ 3-4 महीने में और बहुत बड़ी बड़ी मौसमी हो जाएंगी, जूसी मौसमी। तो इतनी सारी मौसमियाँ आती हैं कि हम पूरी सर्दियाँ खाते हैं और लोगों को भेजते भी हैं। ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये केले का पौधा है और इसे मोस्टली गमले में ही लगाया जाता है क्योंकि इसकी पूजा की जाती है, इसलिए और ये पूजा की पर्पज से यहाँ पर लाया गया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो आप लंबे लंबे देख रहे हैं ये वहाँ पर भी है, उस तरफ भी है। ये बांस है जो अपने आप हमारे घर में उग गया है, हमें उगाया नहीं था, ये खुद से उग गया है। लेकिन बोला जाता है कि बांस का घर में उगना बहुत लकी माना जाता है, बहुत
वेल्थ से रिलेटेड होता है और इसीलिए उसको बहुत लकी माना जाता है, और ये बहुत स्पीड से पड़ता है तो काफ़ी लंबे हो गए आप देख रहे हैं मुझे। इसके पहले एक वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि गिलोय हमारे घर में होता है, ये पूरा गिलोय है, गिलोय की बेल है, ये सारा ये गिलोय है और इतना सारा है कि हम खुद भी घर में गिलोय का काढ़ा रेगुलरली पीते हैं और अपने चाहने वालों को, अपने रिलेटिव्स को, लव्ड वंस को हम यहाँ से पैक करके भी भेजते हैं। अभी जस्ट मैंने कट करके पैक किया, मैं आपको दिखाती हूँ, इतना सारा पैक करके मैं भेज भी रही हूँ, ये देखिए सारा गिलोय है। आज के टाइम पर ये गिलोय बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, गिलोय का काढ़ा हर किसी को पीना चाहिए क्योंकि वो इम्यूनिटी के लिए अच्छा होता है, कोविड से इन्फेक्टेड लोगों के लिए वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर वो रोज़ उसके काढ़े का उसका काढ़ा बनाकर पिए तो काफ़ी अच्छा रहता है, हार्ट पेशेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा होता है गिलोय का काढ़ा, और इसके बहुत सारे और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो इसीलिए गिलोय। तो मैं अपने घर की छत पर आ गई हूँ, तो छत से देखिए पूरा गिलोय जो है पूरी फैली हुई है पूरी छत पर, ये पूरी गिलोय है यहाँ तक आ चुकी है। ये हमारे घर में पूरी तरह गिलोय का कब्जा हो चुका है, रास्ते बंद हो चुके हैं। ऑलिव आ जाएगी, ऑलिव ऑलिव, अरे भाई साहब ऑलिव कौन है, ऑलिव कौन है? तो हमारे घर में बाहर हमने लगा रखे, बाहर अपने दरवाजे के बाहर लिखा हुआ है ऑलिव से सावधान, क्योंकि अगर कोई बिना बताए डायरेक्ट अंदर आ गया गलती से तो बारिश हो रही है हल्की हल्की, इट्स ड्रिजलिंग। बहुत सारी जगह जहाँ पर इस साइड में धूप कम है और इस साइड में धूप बहुत अच्छे से लगी हुई है, तो मैं कुछ जो खाली एरिया यहाँ पर थोड़ा सा धूप लगा के छोड़ती हूँ ताकि अच्छे से फैल जाए, तो इसीलिए मैं ये यहाँ पर लगा रही हूँ। आज के टाइम में प्लांट्स लगाना, थोड़ा ग्रीनरी घर में रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, ऐसे टाइम में जहाँ पर ऑक्सीजन की इतनी कमी हो रही है, क्यों ना हम ये तो हम कब से बोलते आ रहे हैं कि प्लांट्स लगाइए, पेड़ लगाइए, तो एक्स्ट्रा किनारे पे जो धूप थी वो मैं वो वहाँ से निकाल कर यहाँ ले आई हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा खड्डा करके, धूप लगाने के लिए आपको बहुत डीप खड्डा करने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत इजीली फैल जाती है। और थोड़ा सा आपको ज़मीन को खुरदरा करना ज़रूरी है बस, प्लांट आप देख रहे हैं इस प्लांट को जेड प्लांट बोलते हैं, और ये जो प्लांट है इसे काफ़ी शुभ माना जाता है, ये इसके लिए ना तो ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत होती है, ये सिर्फ पानी में भी उग सकता है, तो देखिए बहुत देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है। ये जो आप देख रहे हैं ये हमने जो भी बर्ड्स आते हैं और प्यासे होते हैं तो उनके लिए यहाँ पर पानी रखा हुआ है ताकि वो आके आराम से यहाँ पे पानी पी सकते हैं, गर्मियाँ बहुत हैं तो सबके लिए पानी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये छोटे छोटे प्लांट्स हम यहाँ पर रख देते हैं, हमारे घर में जो जिस जो कप थोड़े टूट जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं तो उन कप को हम बाहर फेंकने की बजाय उनमें प्लांट्स लगा कर और वो रख देते हैं। ये आप देख रहे हैं
ये कुछ प्रोटीन शेक के डब्बे थे जिन्हें हमने पेंट करके इस तरह उनमें प्लांट्स लगा के और वो रख दिए। ये देखिए ये सारे प्रोटीन के डब्बे हैं जिन्हें पेंट करके रखा है। कुछ डब्बे जो आपके घर में खराब हो जाते हैं उन्हें फेंकने की बजाय उनमें प्लांट्स लगा के आप अपने घर में रख सकते हैं। हमारे घर के बाहर की आप ये जो दीवार देख रहे हैं ये मेरी मॉम ने खुद खड़े रह के इसे इस तरह से पेंट करवाया है कि उन्हें इस तरह के हाथी चाहिए थे बाहर। और ये जो आप पत्थर देख रहे हैं जिसपे पापा का नाम लिखा हुआ है ये पत्थर स्पेशली जैसलमेर से मंगवाया। जैसलमेर में इस तरह के येलो पत्थर जो गोल्डन पत्थर होते हैं वो काफ़ी फेमस हैं क्योंकि जैसलमेर को कहा ही गोल्डन सिटी जाता है तो वहाँ के पत्थर बहुत फेमस हैं। ये घर के जस्ट बाहर दो प्लांट्स लगाए हैं हमने, एक यहाँ और एक उस तरफ है। यहाँ पे और ये जो है ये सफ़ेद आग है जो शिव जी की पूजा आपको पता ही होगा कि शिव जी की पूजा में आग के फूल चढ़ाए जाते हैं। ये हमारे घर के पेड़ हैं जो घर से बाहर आ रहे हैं और यहाँ ये जो पेड़ है ये है नींबू का पौधा है ये और यहाँ से काफ़ी सारे नींबू लगते हैं लेकिन जो बाहर से आते जाते लोग होते हैं वो नींबू निकाल कर यहाँ से ले जाते हैं। बारिश तेज हो गई तो हमें अंदर जाना चाहिए फटाफट। ऑल राइट गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू रियली लाइक द वीडियो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल।